लापरवाही एक तो सिक्योरिटी में ही है, क्योंकि सुबह सुबह सब रहते, रात को जब भी HOD निकल जाते हैं, डॉक्टर्स निकल जाते हैं, जो हमारे MO रहते, जो हमारे सिस्टर रहते, जो हमारे वार्ड बॉय रहते, उनके ऊपर ही तो सिस्टम चलता है इंक्वायरी की। तो कोई भी मृत्यु होता है तो गलत है, और संवेदना तो रहेंगे ही ना, तो उनको भी मैं यही कहेंगी कि ये हादसा हुआ है तो उनके ऊपर आघात तो हुआ है, लेकिन इसका पूरी तहकीकात होना चाहिए। इतना ओल्ड एज का आदमी, जो हम मराठी में आजोबा है ना, दादाजी, वो चल के कैसे गए, इतना पूरा उसमें किसी ने नहीं कैसे देखा, ये सब उसकी तहकीकात होगी, या कोई लेके गया क्या उनको, सब होगा। और पुलिस का रिपोर्ट आने दो, उसके बाद हम काम करते हैं। आरोप लगाना सही है, क्योंकि वो विरोधी पक्ष है, वो उनका काम अच्छे कर रहे हैं, अभी उनका काम उनको करने दो, हमारा काम हमें करने दो। मेरे दादाजी को मैंने सैटरडे हॉस्पिटलाइज किया था, तो उनका रिपोर्ट संडे को आया कि वो पॉजिटिव डिटेक्ट हुए, तो हम लोग को संडे क्वारंटाइन किया उन लोगों ने। फिर मंडे को मैं संडे पूरा दिन वहाँ पे ही था, और मंडे को मैं जब घर पे आया तब मुझे पता चला कि वो मिसिंग है करके, मिसिंग है। तो सुबह मुझे हॉस्पिटल से फ़ोन आया 8:30 बजे कि वो हॉस्पिटल से मिसिंग है, 20 मिनट से बेड पे नहीं है करके। तो मैंने सब छानबीन चालू कर दिया, मैंने CCTV फुटेज चेक किया, वहाँ के आजू बाजू वाले पेशेंट से बात किया, तो उन्होंने बोला कि 5 बजे से बेड पे है ही नहीं, सुबह 5 बजे से बेड पे है ही नहीं। तो ये शताब्दी हॉस्पिटल की लापरवाही है कि उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया कि कोविड का पेशेंट कोविड सेक्शन से बाहर कैसे जा सकता है। एक्चुअली तुम लोग जो पॉजिटिव पेशेंट है उनको कस्टडी में रखना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए, तो वो तो हो नहीं रही है शताब्दी हॉस्पिटल से। और मुझे सुबह शाम मैंने सब CCTV फुटेज चेक करने के बाद वो इधर मिले नहीं। तो बाद में मैंने मुझे 10:30 रात को 10:30 बजे वहाँ से फ़ोन आता है कि आपके फैमिली के कोई मेंबर का, मतलब मेरे दोस्त ने सब कंप्लेंट करने के बाद पुलिस स्टेशन से पता चलता है कि यहाँ पे एक डेड बॉडी मिली है। तो पता भी नहीं था, क्योंकि उन्होंने लावारिस करके सेव करके रखा था, और बाद में हम लोग को ऐसे पता चला कि वो डेड बॉडी हम लोग के फैमिली मेम्बर की है। लेकिन शताब्दी हॉस्पिटल ने हम लोग से छुपाया कि एक्चुअली वो 5 बजे निकले और डेथ हो गई थी उनकी 7:30 बजे, और वो बॉडी है वो शताब्दी हॉस्पिटल में ही पहुंच गई थी, लेकिन उन लोग ने हमसे छुपाया ये बात, और हमने उनको संभाल के रखा। और वहाँ पे 20 मिनट के बाद 8:30 बजे वहाँ से सुबह फ़ोन आता है कि आपका पेशेंट मिसिंग है करके। एक्चुअली ये सब उनका खेल है, ये सब बंद होना चाहिए, क्योंकि आगे ऐसी दिक्कत कोई पेशेंट के साथ नहीं हो। मेरे दादाजी की उम्र 80 साल थी, और उनको सब मतलब कोई सिम्टम्स नहीं थे, ज़्यादा सिम्टम्स नहीं थे, खाली फीवर था और पेट में दर्द कर रहा था। मुझे पता नहीं, लेकिन मैं न्यूज़ देख के मुझे ये पता चल रहा है कि प्राइवेट में सब पॉजिटिव, जो रिपोर्ट्स है सब पॉजिटिव दिखाते हैं, और प्राइवेट में हॉस्पिटलाइज करके सबको 9-9, 10-10 लाख का बिल छपवा देते हैं। तो लोग जाएंगे कहाँ पे, ऐसे भी लापरवाही चलती रही तो।